और चलिए बढ़ते अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां पहाड़ में खेल को बढ़ावा देने की कवायद। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ। सीएम धामी ने बच्चों के साथ यहां पर समय बिताया। खिलाड़ियों के करतब देख मंत्रमुग्ध हुए सीएम। महिला एथलीट की सीएम ने सराहना की। मौके पर सीएम समेत तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे। पहाड़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार जोर शोर से जुटी है। टूरिज्म के साथ साथ राज्य में स्पोर्ट्स को बढ़ाने की कवायद भी की जा रही है। राजधानी देहरादून में इसकी वानगी देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान गुब्बारों को उड़ाकर खेल महोत्सव का आगाज किया गया। महाराणा प्रताप कॉलेज में आयोजित समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जिसने पहाड़ की संस्कृति से सभी को रूबरू कराया। रीति रिवाजों के साथ पहाड़ी डांस ने सभी का मन मोह लिया। खेल के महाकुंभ में अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से लोहा मनवाया। उनके करतब देखकर पूरे परिसर में बैठे लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। खेल महाकुंभ में महिला एथलीट की भागीदारी को देख सूबे के मुखिया गदगद नजर आए और खुद को सराहना करने से ना रोक सके। महिलाओं के करतब देखकर सभी लोग दंग रह गए और जमकर सराहना भी की। समारोह में मुख्यमंत्री का अलग ही रंग नजर आया। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, जिसे देखकर बच्चे भी खासे उत्साहित नजर आए। खास मौके पर सीएम धामी ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें राज्य में मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतिभाग लेने वालों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है, जो पहले ही 4 लाख पहुंच चुकी है, और हमें विश्वास है कि जल्द ही 5 लाख का आंकड़ा छू लेगी। परिवार में पैदा हुआ हो, बेटा बेटी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, वह भी अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य स्तर तक क्वालिफाई कर सकता है, और उसकी जो अपनी काबिलियत है, जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार खेल महाकुंभ को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। सूबे के मुखिया ने मन से कई अहम बातें बोली। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो सुविधा हमारे युवाओं को पहले मिलती थी, उनको भी और बेहतर किया जा रहा है। उनके लिए पुरस्कार और नौकरियों में भी आउट आफ्टर प्रमोशन की सुविधा दी गई है। सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो, इस प्रकार के प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहे हैं, और हमारे सभी खिलाड़ियों को भी और खेलों से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षक गण हैं, उनके ट्रेनर हैं, सभी को इस दिशा में प्रयास करना है। और मुझे लगता है हम सबके समेकित प्रयासों से जहां हमारा आने वाला जो राष्ट्रीय खेल है वो भी बहुत शानदार तरीके से यहां आयोजित होगा। खेल मंच से मंत्री रेखा आर्य ने अहम बातें कही। उन्होंने बताया कि खेल प्रतिभाएं अब राज्य स्तर तक पहुंच गई हैं। ऐसे में उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य में आने वाला समय खेल को बढ़ावा देने वाला होगा। खेल महाकुंभ से जो हमारे न्याय पंचायत स्तर के हमारे बच्चे हैं, वे ब्लॉक पे आते हुए ब्लॉक की सफलता जिले में मिलते हुए, जिले में सफलता प्राप्त करते हुए आज स्टेट स्तर पर पहुंचे हैं, और जगह जगह कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से
यह खेल महाकुंभ उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने को सिद्ध करने का उनको एक अवसर मिलता है, और साथ ही खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए भी खेल महाकुंभ की नितांत आवश्यकता रहती है, जो कि विभाग के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्बाध तरीके से लगातार हर साल इसका आयोजन हो रहा है।